आज पूरे देश भर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव पूरे धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। देश भर के मंदिरों और राधा कृष्ण की प्रतिमाओं को विशेष श्रृंगार से सजाने की तैयारी चल रही है, लेकिन ग्वालियर के 100 वर्ष पुराने गोपाल मंदिर में जन्माष्टमी का पर्व बेहद खास होता है। जी हां, रियासत कालीन मंदिर में राधा कृष्ण प्रतिमाओं को करोड़ों रुपए के हीरे जवाहरात जड़े जेवरातों से सजाया जाता है। ग्वालियर के फूलबाग में स्थित सिंधिया कालीन 100 साल पुराने इस मंदिर में मौजूद राधा कृष्ण की मूर्तियों को जन्माष्टमी पर खास जेवरातों से सजाया जा रहा है। प्रतिमाओं को रत्न जड़ित आभूषणों से सुसज्जित किया गया है, जिनकी एंटीक कीमत लगभग 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। हीरे मोती पन्ने जैसे बेश कीमती रत्नों से सुसज्जित भगवान के मुकुट और अन्य आभूषण है। देश की स्वतंत्रता के पहले तक भगवान इन जेवरातों से श्रृंगारित रहते थे, लेकिन देश आजाद होने के बाद से जेवरात बैंक के लॉकर में कैद पड़े थे, जो 2007 में नगर निगम की देखरेख में आए और तब से लेकर जन्माष्टमी पर राधा कृष्ण की प्रतिमाओं को इन बेश कीमती जेवरात पहनाए जाते हैं। जन्माष्टमी के दिन सुरक्षा व्यवस्था के बीच इन जेवरातों को बैंक के लॉकर से निकाल कर राधा और गोपाल जी का श्रृंगार किया जाता है। बता दें कि फूलबाग स्थित गोपाल मंदिर की स्थापना 1921 में ग्वालियर रियासत के तत्कालीन शासक माधव राव प्रथम ने की थी। उन्होंने भगवान की पूजा के लिए चांदी के बर्तन और पहनावे के लिए रत्न जड़ित सोने के आभूषण बनवाए थे। इनमें राधा कृष्ण के 55 पन्नों और 7 लड़ी का हार, सोने की बांसुरी, सोने की नथ, जंजीर और चांदी के पूजा के बर्तन है। जन्माष्टमी पर इन रत्न जड़ित जेवरातों से राधा कृष्ण को श्रृंगारित किया जाता है। 24 घंटे तक राधा कृष्ण इन जेवरातों से श्रृंगारित रहते हैं। इस रूप को देखने के लिए भक्तों को साल भर इंतजार रहता है। यही वजह है कि भक्तों का दर्शन के लिए तांता लगा रहता है। देशी ही नहीं, विदेशी भक्त भी इस रूप को निहारने आते हैं। मंदिर के बेश कीमती गहनों और भक्तों की सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल भी मंदिर में तैनात रहते हैं। मंदिर के अंदर और बाहर की सुरक्षा के लिए करीब 200 जवान तैनात किए जाते हैं। वर्दीधारियों के साथ ही सादा वर्दी में सुरक्षा अमला तैनात है। CSP स्तर के अधिकारी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। गोपाल जी का यह ऐतिहासिक मंदिर ग्वालियर के फूलबाग परिसर में है। इसके एक ओर गुरुद्वारा है, वहीं दूसरी ओर मोती मस्जिद। सांप्रदायिक सद्भाव के प्रतीक इस मंदिर की स्थापना 1921 में ग्वालियर रियासत के तत्कालीन शासक माधव राव प्रथम ने की थी। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।